इसलिए तुलसी शुद्ध रूप से एक ऐसा पौधा है कि जिसकी पत्तियों को लोग चाय में डाल के पीते हैं, गंगा जल के साथ उसमें उसको मिलाया जाता है, जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन क्योंकि हजारों साल पहले साइंस नाम का कोई शब्द नहीं था, हजारों साल पहले जितनी भी आज आप साइंस पढ़ रहे हैं और जो हमको भेज रहे हैं लिख करके, हम ये समझ रहे हैं कि शायद यही अंतिम सबसे बड़ा विकास है। हजारों हजारों साल पहले हमारे उस ऋषि मुनि को ऐसी चीजें पता थी, लेकिन वो आपको जब कोई चीज पता होती है और जब दूसरे को बताते हैं तो आपको जिसको बता रहे होते हैं उसके लेवल पे जाना पड़ता है। जैसे एक मां होती है, एक छोटे से बच्चे से उसे कम्युनिकेट करना होता है जब वो 5 साल का होता है, और ये कला सिर्फ मां के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। आप सोचिए कि एक मां जब 5 साल के बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और वो नहीं दूध पीता है, तो ये डिवाइस सिर्फ भारतीय माओ ने निकाली है, वो जो है अंकल साहब उन्होंने ही निकाली है। उस मां को पता है कि मेरे बच्चे को दूध पीना जरूरी है, लेकिन वो दूध का ग्लास दे दिए भाग रही है उसके पीछे और वो दूध नहीं पी रहा है। लेकिन मां का जो बैक ऑफ माइंड में है उसको ही पता है दूध पीने से इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये उसको बैक ऑफ माइंड पता है, लेकिन वो 5 साल के बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। तो उसने डिवाइस निकाली, 5 साल के बच्चे के पीछे दूध लेके भागते भागते उसने जब वो नहीं माना तो उसने कहा तुमने अगर दूध नहीं पिया ना तो भौंपो आ जाएगा। सबने किया ये, लेकिन आपका ये अर्थ नहीं था कि आप बच्चे को डराना चाहते थे, आपका मकसद था कि वो दूध पी ले। लेकिन मां कितनी इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारे समाज में तो पीएचडी जब तक कोई ना करे वो इंटेलिजेंट होते नहीं। हमारे पूरे इतिहास में देख लीजिए, डिग्रियों से कभी भारत नहीं नापा गया, लेकिन आजकल डिग्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। वही मां जब वो बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तब उसका नैरेटिव क्या बदलता, क्योंकि वो समझती है कि अब मैं इससे कम्युनिकेट कर सकती हूं कुछ कुछ, तो वो उससे कहती है कि ये दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, और जब तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी और भौंको आएगा तो उसको मार के भगा देना। 5 साल में बुला रही है भौंको को, 12 साल में भगा रही है। अब वो समझती है कि ये कम्युनिकेट करने का समय आ गया है बच्चे को कि दूध का मतलब क्या होता है, क्यों पिया जाता है। इसको बेस करके आज हमारे देश में कुछ महामूर्ख और उनका उत्तर देने वाले उनसे भी महामूर्ख हैं। किसी ने कहा कहीं कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, कोई सनातन को डेंगू, कोई मलेरिया, ठीक है, लेकिन जो इस पर रिस्पॉन्स आनी चाहिए थी वो नहीं आई। बल्कि युवा के सनातन को समाप्त करके दिखाओ, जैसे सनातन कोई डिब्बा है, कोई अचार है, तो सनातन है क्या? अगर आज के दौर में मुझे कम्युनिकेट करना हो आपसे तो सनातन का ट्रांसलेशन अगर मैं कहूं जो आपको कुछ हद तक समझ में आएगा, इसका मतलब है साइंस। और आपको लगेगा कि बताइए साइंस और सनातन का क्या लेना देना है, पता नहीं। दादी नानी अगर आपके घरों में कभी हो तो आपको कुछ चीजें जो हमने अपने बचपन में अपनी नानी को करते देखा है, मां मेरी जीवित हैं, मैं उनको देखता हूं, उनको नहीं पता वो ये क्यों कर रही है, लेकिन वो बरसा बरस कर रही है। अब जाकर के संचार क्रांति से पता चलता है कि जो हम 5 तत्व कहते हैं कि मनुष्य में 5 तत्व होते हैं, और जब वो आपके शरीर में खत्म हो जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है, और मृत आदमी को जब शमशान में ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो हमारे कहा जाता है कि हमने आज उनको 5 तत्व में विलीन कर दिया।
यही शब्द बड़ा कॉमन कहते हैं। ये पांच तत्व तो क्या है हम सब जानते हैं? कोई आप में से जानता है पांच तत्व तो क्या है? फाइव एलिमेंट जो बॉडी में है हमारी, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, व्हाट इज दैट? तो ये पांच तत्वों को अगर आप समझेंगे तब आप सनातन समझ जाएंगे। अग्नि आपके शरीर को चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, मिट्टी चाहिए, धरती, इसमें से आकाश, यही पांच तत्व हैं, है कि नहीं? यस एंड नो। अब आप सोचिए कि हजारों साल पहले उस ऋषि मुनि को यह बात पता थी, लेकिन उस ऋषि मुनि ने जब बताया होगा तो पांच साल की अवस्था वाली स्थिति में बताया। अब इस बीच में ऋषि मुनि चला गया, अंकल सैम आ गए, कुछ रेगिस्तान से घोड़ों पर जिहादी आ गए, आपके नालंदा में आग लगा दी, तो वो जो सब कुछ गैप हुआ तो सडनली आग, उस गैप की वजह से बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। तो अब आपको किसी ने कुछ बता दिया तो आप उस तरफ चले गए। हजारों हजारों साल पहले उस ऋषि मुनि ने यह कहा कि जो पेड़ है ये रात भर एक ऐसी हवा देते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए कि उससे आप बेहोश हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, क्योंकि पेड़ रात भर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते ही अब हमको पता चला। पता तो उसको भी था लेकिन उसने कार्बन डाइऑक्साइड नाम नहीं दिया इसको, ये तो बाद में लोगों ने दिया। तो उसने कहा कि जब सुबह सुबह सूरज निकले, और सुबह का मतलब आज नहीं, बच्चे तो आज सुबह सोना शुरू करते हैं, ये उस दौर की बात बता रहा हूं जब यह कहा जाता था कि सूरज डूबने से पहले आप अपना खाना खा लें। इसका पूरा नेचर के साथ कनेक्ट है कि यू आर पार्ट ऑफ द नेचर, आप अलग से नहीं है। तो जो पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती है उसी के साथ साथ वो सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। अब ये तो किसी साइंटिस्ट एस्टन टेटे ने नहीं बनाया था ना, ये तो नेचर। आपके ऋषि मुनि को पता था तो उसने क्या कहा कि सुबह सुबह, सुबह मीन्स 4-5 बजे, आज वाली सुबह नहीं, आज की सुबह तो 2 बजे दोपहर में होती है। तो वो जो सुबह आपसे कहता है कि सुबह उठ करके लोटे में पानी, और ये लोटा तो अब आज पीतल पीतल हो गया, उस जमाने में तांबे का था, उस तांबे के लोटे से जब आप पानी डालते हैं तो पानी को डालने का तरीका यह बताया कि आपकी आंखें सूरज की तरफ होनी चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए, और वो धार उससे गिरेगी तो सूरज की जितनी किरणें हैं वो एक जगह आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। बचपन में आपने देखा होगा एक प्रिज्म था, हम सूरज की तरफ करते थे ऐसे करके, उसमें आग जल जाता था, तो कई सारी रेज इकट्ठी होती थी तो हीट एक जगह आती थी तो कागज जल जाता था। तो जब आप ऐसे करके डालते हैं तो सूरज की किरण एक जगह इकट्ठी होती है और पानी से क्रॉस होकर के आपके यहां लगती है, तो जो अग्नि आपको पूरे दिन के लिए चाहिए वो सुबह सुबह मिल गई आपको। वन पॉइंट, राइट। अब आपको वायु चाहिए तो दिन में तो सब वायु नहीं है, लेकिन आपके ऋषि मुनि ने कहा आपसे, क्योंकि अब हमारे यहां दिक्कत यह हो गई है कि इस सब का ठेका हमने दे दिया है संतों महंतों, और ऐसे भी संत हैं कि संत होने से पहले किसी से अफेयर था, अफेयर टूट गया तो संत हो गए, बहुत है। मैं उन संतों की बात नहीं कर रहा, उस वक्त के उस ऋषि मुनि ने, आज हमारे यहां क्लाइमेट चेंज की बात होती है, बड़े बड़े वर्ड आते हैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ये जितने बड़े बड़े शब्द हैं उतने बड़े बड़े माफिया हैं। हमारे ऋषि मुनि ने आपसे एक ही बात कही है कि संसार की पूरी धरती पर एक पेड़ की पूजा करनी है, और ये पूजा का भाव का मतलब मैं फिर बताऊं, लड्डू चढ़ाना नहीं है, पूजा का मतलब है यू हैव टू टेक केयर। आप तो कहते हैं ना मां की पूजा करनी, तो मां की पूजा कोई आरती नहीं उतारनी,
उस मां की केयर करती है। तो उसने कहा पूरी धरती पर विश्व में सिर्फ एक ही